चुनाव आ गया, मगर अभी जो यहाँ की सीवर की समस्या है वो जिसकी तक, मगर आज जो महिलाएं हमारे साथ काफी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, घर से निकलकर बाहर आई हैं अपनी समस्याएं बताने, और उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने ये सीवर का निर्माण कैसे कराया, क्योंकि ये सबसे खास है क्योंकि यहाँ की महिलाओं द्वारा खुद ही इसका निर्माण करवाया गया, क्योंकि सबसे जो बजट आता है तब उस वक्त ये काम होते हैं, मगर यहाँ पे महिलाओं ने घर का बजट निकाल के इस सीवर का निर्माण कराया। आज महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, हमसे बात करने के लिए अपना अहम वक्त देने आई हैं, तो बात करते हैं एक एक करके। मैम आपका नाम? यशोदा देवी। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? 40 साल। 40 साल, कोई सुविधा नहीं है पानी घर में। अच्छा, जैसे आपने खास तौर पे एक बात बताई थी कि ये हमने बनवाया, कि किस कदर आपने बनवाया? नाली पड़ी है ऐसी, थोड़ा पानी निकल जाता है वाला, ये गड्ढा था, ये आप लोगों ने पैसे खुद के लगा के? खुद के लगाए, गड्ढे बने थे उसको ले जाके बाहर फेंकते थे जीना के नीचे उधर की रोड पे, फिर वहाँ लोगों ने पैसे लगा के नाला डलवाया, फिर उसके बाद अब ये बैठ गई है, लाइन भ्रष्ट हो गई है, तो ये पानी बिल्कुल जाता नहीं, हम लोग का रोज पानी भरा था, बारिश में घर के अंदर घुसता है पानी। अच्छा, आप अगर बात की जाए कि जैसे यहाँ पे जो सीवर आप कह रहे थे कि हम लोगों ने बनवाया, कितने का बजट आया होगा? जवाब नहीं बनवाया, बजट जब ही सस्ता जमाना था 25-30 साल पहले जमाना था, सब लोगों ने 500 रुपया दिया तो बन गया था। तो घर में भैया लैटरिन का साधन हो जाए, पानी का साधन हो जाए, सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं हमारे यहाँ। बजट घर का कितना है? 6,000 का महीना, 6,000 में 15 इसी को जाना है। हाँ, 15 रुपए एक दिन का जाना है इसको। हाँ, एक दिन का 15 रुपए, 6,000 में 5 इसी में, 15 रुपए इसी में निकालना। हाँ, आएंगे तब जब हमारे यहाँ का साधन होगा। वोट नहीं दोगे तब तक? हाँ, तब वोट नहीं देंगे, पहले हमारे यहाँ काम करवाएं, फिर हम सब लेडीज वोट डालेंगे। अब बिटिया का भी हमारा वोट है, हमारा भी है, मेरे आदमी का भी, मेरे लड़के का भी है। एक शौचालय का भी बताया, तब तो बहुत दे, हमने का महीने का 100-150 देखा है, इससे ज्यादा नहीं, 5 लोग हैं तो हमारे 25 रुपए हो गए एक घर से। नाला दिखा चुके हैं, मेरी फैमिली है 5-6 घर में, तो ये सब नहीं दे पाएंगे इतना पैसा ना, हमने कभी हमारा कार्ड बनवा दीजिए, उनसे कहा जो जीती है, तो वो कह रही कि अच्छा बनवा देंगे, और वो बन ही नहीं रहा, तो हम लोग ने भैया जाना ही बंद कर दिया, खाली लड़कियों को भेजते हैं, हम तो सरकारी में वहाँ जाते हैं, बहुत दूर पूरा बचाता पानी है ना, तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी आता है ना, तो नगर निगम का यहाँ पे कोई नगर निगम वाले आते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कूड़ा लेने भी नहीं आता है, कोई कूड़ा लेने भी नहीं आता, वाला भी नहीं आता, कूड़ा वाला भी नहीं आता। देखिए, जिस कदर से आपने सुना की कानपुर स्मार्ट होता जा रहा है, मगर जो स्मार्टनेस की तस्वीर है वो भाई गली गली के अंदर जब आप घुसोगे तो स्मार्टनेस की जो तस्वीर है वो आपको दिखेगी। कानपुर डिजिटल हुआ है, कानपुर या देश हमारा डिजिटल होता जा रहा है, मगर जो तस्वीर आज भी वहीं की वहीं है, जल भरा हुआ है, गंदा पानी है, डेंगू मलेरिया किस कदर फैल रहा है, छिड़काव भी नहीं हो रहे हैं, पार्षद अपना वोट देने आ जाते हैं, मगर यहाँ पे जो महिला है उनके अंदर काफी गुस्सा था, यहाँ पे जो काम नहीं हुआ है, नालियाँ खुद साफ करो, पानी खुद का कचरा लेकर बाहर जाओ, ये सारी यहाँ की सुविधाएं नगर निगम जरूर जो बात करता है कि नगर निगम की जो तस्वीरें लगातार बदलती जा रही है, मगर जब गलियों के अंदर पहुंचो तो वहाँ की तस्वीर कुछ अलग ही होती है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो दिखाई वो एकदम सच्ची थी, और हम भी चाहेंगे जो ये यहाँ की दशा है वो बदले। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ अमिशा, पवित्र न्यूज, कानपुर।